क्लाइमेक्स को बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं सबसे पहले उनको बुलाने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी ऑल वी फैमिली का, हमारे सारे हमारे दोनों फाउंडर्स सर का, मैम का और सारे काउंसिल्स का कि मुझे उस लायक समझा। आज मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मुझे उनको बुलाने का मौका मिल रहा है। उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी कि आज आज वो जिस मुकाम पर है, मैं उनके थोड़ा पास्ट बैकग्राउंड की बात करूं तो वो एक वेजिटेबल सेलर का काम करते थे। आज वो जिस मुकाम पर है, पहले वो मिडिल क्लास फैमिली से सर्वाइव करते करते 2,10,000 हफ्ते की सीढ़ी पर चढ़ना, आज उनकी फर्श से अर्श तक की कहानी हमें सुनने मिलेगी। ही इज द लाइव एग्जाम्पल ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। माय लाइफस्टाइल में बहुत सारे, हर किसी का ड्रीम होता है आईटीसी बनना, तो वो आईटीसी नहीं बल्कि ट्रिपल आईडी आईटीसी है। हमारे फाउंडर मिस्टर मोहित टंडन सर हमेशा उनका जिक्र करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में उनको छोटा पैकेट बड़ा धमाका के नाम से जाना जाता है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर को बुलाने के लिए और पूरी वी फैमिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जब हमें पता चला कि वो शख्सियत आ रही है हमसे मिलने के लिए, लाइव एग्जाम्पल हमारे पास है। तो उनको बुलाने से पहले जितने लोग हमारे जूम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, हमें पता है ये लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है तो ये हमारा डिजिटल है, तो हम उनको तालियों से तो नहीं बुला सकते, सर को तालियां सुनाई नहीं देंगी, तो वो एनर्जी, वो जोश और वो जुनून वाला जो हमारा एक्साइटमेंट है वो उनके पास वाइब्रेशन ट्रांसफर होना चाहिए सर को। तो सर को बुलाने के लिए मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहूंगी, सर यू आर द लाइव एग्जांपल और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बहुत टाइम से आपसे मिलना चाह रही थी और ये दो ड्रीम मेरे आज फिर से पूरे हुए, तो उनको बुलाती हूँ। तो आप सभी एक्साइटेड हो जाइए, उनको बुलाती हूँ मैं, मिस्टर संकेश वायल सर, द ट्रिपल आईडी आईटीसी, प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम फ्रॉम द बॉटम्स ऑफ माय हार्ट, वेलकम सर। काजल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। मोहित जी, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? चेहरा दिख रहा है? सर फेस नहीं। यस सर। ओके यस सर। ओके यस सर, वेलकम वेलकम वेलकम, यू आर टोटली ऑडिबल, टोटली विजिबल एंड वी आर सो एक्साइटेड टू लिसन यू, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मोहित सर, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो। सबसे पहला तो मैं वी फैमिली का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने आज मुझे आपके बीच आने का मौका दिया और मेरा अनुभव शेयर करने का मौका दिया। प्लान प्रेजेंटेशन नौशाद जी ने लिया, नौशाद जी बहुत ही बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन आपका था। काजल जी, आपका होस्टिंग काफी बढ़िया है, जबरदस्त है। और सबसे मजे की बात क्या है कि इतना प्रोफेशनल टच जो है मेरे नेटवर्क मार्केटिंग करियर में, माय लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर, मैं अगर कोई टीम का देख रहा हूँ तो वी परिवार का देख रहा हूँ। मुझे पता है कि वी परिवार से लता जी है जो मोहित जी की लाइफ पार्टनर है, मैं उनको सिस्टर के जैसा मानता हूँ, मेरी बड़ी बहन जैसी है। सबसे पहला तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि पिछले साल उन्होंने जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया, मतलब मुझे फख्र है कि हमारे देश की नारी है और नारी शक्ति सबसे भारी होती है, बराबर ना। और आपके वी परिवार में दुर्गेश जी है जिनको मैं यूट्यूब के ऊपर बहुत बार सुन चुका हूँ, फेसबुक के ऊपर उनके बहुत सारे पोस्ट को पढ़ता रहता हूँ और मैं उनका फॉलोअर हूँ। मोहित जी का तो मैं क्या बोल सकते हैं ना, मतलब मोहित जी को के ऊपर मैं बहुत फिदा हूँ, मतलब उनके वाइफ के बाद अगर उनके ऊपर कोई दूसरा ज्यादा अगर कोई मरता है तो मैं मरता हूँ उनके ऊपर। तो इतनी स्मार्ट पर्सनैलिटी आपके साथ में, आपके लीडरशिप में है, फिर आपके साथ में जो लीडरशिप में जो है आपके लीडर्स जो है जिनको मैंने रत्नेश सर को कई बार सुनाया, मैंने काफी एक्साइटमेंट है उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लगता है कि यार काश मैं इनके जैसा होता। काफी पावरफुल लीडर है रत्नेश सर, फिर संजय सर है, अमित सर है, नितेश जी है, नौशाद जी है, डीके सर है, मुकेश सर है और डॉक्टर प्रदीप जी है। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद मानना चाहूंगा कि आप लोगों ने आज मुझे यहाँ पे आपके बीच आने का मौका दिया। और आज जो नए लोग इस बिजनेस को देख रहे हैं, इन सभी लोगों का आज के इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा। मोहित सर, आपके परमिशन से मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर सकता हूं क्या? यस सर, वी होस्ट, प्लीज शेयर द स्क्रीन। सर आपको, आपको होस्ट है, यू कैन शेयर द स्क्रीन। थोड़ा मैं टेक्निकली वीक हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं।
बट आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है. हाँ, वो माई लाइफ स्टाइल की ताकत है. मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे सामने मैकबुक एयर है, ठीक है. मैं दुबई से लेके आया था 1.25 लाख रुपए का लैपटॉप लेके आया था. तो मेरे वाइफ ने मुझे पूछा, ये लैपटॉप लेके आप क्या करोगे, आपको तो कुछ आता नहीं है इससे. बोला मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन माई लाइफ स्टाइल का वेबसाइट खोलना आता है, आईडी लॉग इन करना आता है, और जहां पे कीबोर्ड के ऊपर बटन दबाने से 2,10,000 आता है, वही बटन के ऊपर मेरी उंगली जाती है. तो टेक्निकली साउंड होना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा बटन दबाने से बटन को ऑपरेट करने से 2,10,000 आते हैं. बस मैं उतना ही करता हूँ. मेरा इंट्रोडक्शन करके देना चाहूंगा. मेरा नाम शंकेश वायल है, मैं नई मुंबई से बिलोंग करता हूँ, और मेरी 3 आईडी आईटीसी है, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर पे है. मैं अभी के फिलहाल में 9 आईडी से बिजनेस कर रहा हूँ, 9 आईडी पे मेरा बिजनेस चल रहा है और काफी अच्छा ग्रोथ है. मैं इस बिजनेस से आने से पहले मैं किस परिवार से बिलोंग करता हूँ वो आपको बताना चाहूंगा, मेरी बैकग्राउंड क्या थी वो बताना चाहूंगा, और मैं इस बिजनेस में क्यों आया और मुझे कामयाबी क्यों मिली वो बताना चाहूंगा. और मैंने मेरे जीवन में बोलने पे कभी भरोसा किया नहीं, दिखाने पे भरोसा किया है, और मैं लाइफ में हमेशा अचीवमेंट दिखाना चाहता हूँ, मतलब दिखाना पसंद करता हूँ. और मैं आज स्टार्ट टू एंड आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, इवन मेरे 3 आईडी आईटीसी है उसके बीबी डिटेल्स भी दिखाऊंगा, मेरी फॉर्म 26 भी दिखाऊंगा, मेरी मे मंथ की लॉकडाउन पीरियड में जो इनकम हुई है वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को. तो जो लोग नए जिस बिजनेस को देखे होंगे, नौशाद जी ने इतना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस को इतना हल्के में मत लीजिएगा, बिजनेस बहुत बड़ा है. दोस्तों मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे परिवार में आज से कुछ जैसे करो ये मेरा छोटा सा परिवार है. यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मेरे पिताजी है, मेरी माता जी है, मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरे मम्मी के राइट साइड में मेरा बड़ा भाई है, लेफ्ट साइड में मेरा छोटा भाई है, और बीच में कैप पहन के मैं हूँ, ठीक है. ये मेरे परिवार की इतनी सी एक मेरे पास में फोटो है, छोटी सी फोटो है. मैं मेरी एज जो आज के तारीख में 38 एज है, 7 साल पहले मैंने माई लाइफ स्टाइल बिजनेस की शुरुआत की थी, जैसे आप लोग इस बिजनेस में हो. और इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों मेरे परिवार से क्या क्या तकलीफें हुई और क्या क्या तकलीफों का सामना करके हमने हमारे जीवन का जो प्रयास या ट्रैवल जो किया है आज तक यहाँ तक कैसे पहुंचे, मैं आपको बताना चाहता हूँ. मेरे पिताजी जो थे उनका बिजनेस था एपीएमसी, न्यू बॉम्बे में, पहले मुंबई में था फिर न्यू बॉम्बे में था. लेकिन 13 जनवरी 1997 ये दिन हमारे लाइफ में बहुत झटका देने वाला दिन था. मेरे पिताजी की पैरालिसिस की अटैक की वजह से देहांत हुआ उनका. उनके जाने के बाद में परिवार की जिम्मेदारी मेरे और मेरे बड़े भाई के सर पे आई. फिर मैं उस वक्त 9th पास था, मैं 10th में गया नहीं, मैं नॉन मैट्रिक हूँ. मैं आप सभी लोगों से एक चीज बताना चाहूंगा, ये बिजनेस में कामयाब बनने के लिए आपकी पढ़ाई लिखाई होना जरूरी नहीं है. आपको अच्छा बोलना आता है करके ही आप इस बिजनेस में पैसा कमाओगे ये बोलना जरूरी नहीं है. आज तक मैंने कभी 10 से 15 मिनट से ज्यादा टॉक नहीं किया है, लेकिन मैं फील्ड के ऊपर बिजनेस करना जानता हूँ और फील्ड से बिजनेस लाना जानता हूँ और लोगों को बिजनेस में डेवलप करना जानता हूँ. तो एक चीज जो गलतफहमी में हम लोग सभी लोग होते हैं कि यार मैं तो अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ. दोस्तों ये बिजनेस वही व्यक्ति के जीवन में चलता है जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है, अपने परिवार के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है. आप टेक्निकली साउंड नहीं हो, आप अच्छे स्पीकर नहीं हो, डरने की कोई बात नहीं है. देखो मैं आप लोग के साथ में बोल रहा हूँ, कहीं कहीं पर मैं अटक भी रहा हूँ, बोलने में अटक रहा हूँ, कमाने में नहीं अटक रहा हूँ, क्योंकि माई लाइफ स्टाइल का एक ऐसा सिस्टम है वो अटकने वाले व्यक्ति को भी आगे लेके जाता है, इतना याद रखना. तो मेरे पिताजी का डेट हुआ 13 जनवरी 1997 में, और मेरे पिताजी जाने के बाद में मेरी पढ़ाई लिखाई वहां पे स्टॉप हो गई, बंद हो गई. मेरे बड़े भाई की पढ़ाई लिखाई वहां पे स्टॉप हो गई, बंद हो गई. और हम छोटा मोटा काम धंधा करते थे, पिताजी का बिजनेस भी किया हम लोगों ने. आप लोगों को मैं बताऊं, मैं एमपी में बहुत बार आ चुका हूं इस बिजनेस में आने से पहले. सागर, हसलपुर, कुटी, मानपुर, रहू, महू,
राहु है ना, राहु महु क्या, उसके बाद में बहुत सारा एरिया में घूम चुका हूँ। वहां पे मैं खेत में आके धनिया खरीद कर बंबई बेचने के लिए लेके जाता था, धनिया बेचता था मैं। धनिया, धनिया समझते हो ना, धनिया की पत्ती आती है, हरी पत्ती आती है, कोरिंडर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो मैं 10-10, 15-15 दिन आपके एरिया में रहता था और मैं सब्जी बेचने के लिए वहां से लेके आता था सब्जी। तो मैंने मेरे जीवन में कई सारे काम किए, कई सारे प्रयास किए, पर मेरे पिताजी जाने के बाद में परिवार बहुत तकलीफ में था। फिर मेरे पिताजी के बाद में मेरी माता जी भी हम लोग को छोड़ के चली गई। मेरे माँ का देहांत हुआ 11 फरवरी 2003 में। यह हम लोग के भाई और बहन के लाइफ के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि पिताजी चले गए नो प्रॉब्लम, लेकिन माँ का तो साथ में होना बहुत जरूरी था। लेकिन माता जी भी चली गई 2003 के अंदर, मतलब 100% अनाथ बोल सकते हैं। सर पे किसी का साया नहीं था, बहुत तकलीफ उठा, बहुत तकलीफ उठा। गरीबी क्या होती है मैं आप लोगों को आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मेरी माँ, जिस दिन मेरी माँ का डेथ हुआ 11 फरवरी 2003 में, 4:17 शाम के 4:17 पे मेरी माँ हम लोग को छोड़ के इस दुनिया से चली गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब माँ जाती है तो आपको पता कि क्या माइंडसेट हुआ रहेगा, क्या मानसिकता हुई रहेगी। एक साइड पे मेरे माँ का प्रेत था, मतलब उनका डेड बॉडी था, और एक साइड में मन में विचार चल रहा था कि अभी इनका अंतिम संस्कार कैसे करना, इनको लेके कैसे जाना, क्योंकि माँ गई है, था हम तीनों भाई रो रहे थे, बहन रो रही थी, लेकिन रोते रोते एक ही चीज का प्रेशर था कि इनके अंतिम संस्कार का क्रियाक्रम करने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं था। और आज भी 2003 से लेके आज 2020 में हम लोग 17 साल से ना हम तीन भाइयों को पता है, ना मेरी बहन को पता है कि हमारे माता जी का अंतिम संस्कार का खर्चा किस व्यक्ति ने किया। इससे ज्यादा गरीबी तो नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा हालात तो बुरे नहीं होने चाहिए। मेरे लाइफ में कुछ घटना ऐसी हुई दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों मैं माई लाइफ में कामयाब हूँ, ये बिजनेस में क्यों कर रहा हूँ, इन घटनाओं के कारण इस बिजनेस को मैं आज कर रहा हूँ दोस्तों। मुझे लोग ना बोलते हैं इसका डर नहीं है, किसी चार लोगों ने ना बोला तो मैं रुकता नहीं हूं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिन घटनाओं की वजह से बुरा अनुभव मेरे भाइयों को आया, मेरे बहन को आया। मेरी माँ को उठाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। आज सोचो, जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसे अंतिम विदाई देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। इमेजिन करो कि पैसे की कितनी अहमियत होती है लाइफ में। रो की माँ को उठाने के लिए पैसे का बंदोबस्त करो, 4:17 में उनका डेथ हुआ, रात के 2 उनकी बॉडी को उठाया गया। ये हालात, और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा झटका था दोस्तों, ये सबसे खतरनाक झटका था। माता जी जाने के बाद में, पिताजी जाने के बाद में, हमने हमारे जीवन को चलाने के लिए क्या काम नहीं किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। माई लाइफ शन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने से पहले जीवन में एक साधारण व्यक्ति जिन जिन कामों को करके अपना पेट चलाता है, वो हर एक काम को हमने किया है, हर एक काम को हमने किया है। ये हम तीन भाई है, मेरी बड़ी बहन है, बीच में मैं हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड में मेरे बड़े भाई है स्क्रीन के ऊपर, राइट हैंड में छोटा भाई है, और मेरे बड़े भाई के बाजू में मेरी बड़ी बहन है। ये चार भाइयों का परिवार माँ बाप जाने के बाद में, मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे गांव में शादी हुई मोहित सर। और बड़ी बहन के शादी में 4 पहले गांव में जाना चाहिए था, लेकिन मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों के पास में बड़ी बहन के शादी में जाने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे बड़ी बहन के शादी में जो व्यक्ति, जो VIP गेस्ट आने वाले थे, उनके घर पे हम सुबह गए और 7 जाके बैठे, 10 उनकी गाड़ी निकली, उनके गाड़ी में बैठकर हम गांव में गए, और दोपहर को 2:30 मैं मेरे बड़े बहन के शादी में पहुंचा। आधा दिन खत्म हो चुका था। मेरा बड़ा भाई, उनका शादी हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शादी के दिन जो कपड़ा पहना था, सूट बूट पहनते ना शादी के दिन, वो भाड़े पे लेके आया था मैं बड़े भाई के शादी के दिन। और मेरा जो टाइम था शादी का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस वक्त थोड़े हालात ठीक थे, मेरी शादी बढ़िया हुई, लेकिन हम तीनों के शादियों में जो तकलीफ हमको आया, वो मेरे छोटे भाई के शादी में मैंने आने नहीं दिया।
घटनाएं बहुत सारी हुई हमारे जीवन के अंदर, बुरी घटनाएं बहुत सारी हुई है, लेकिन आज उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर एक व्यक्ति ने किस किस तरीके से घटनाओं का सामना किया है बताने के लिए, क्योंकि 20-25-30 मिनट में मुझे अपना अनुभव आपके सामने बोलना है। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि जब मैं बिजनेस मैंने शुरू किया, ये बिजनेस शुरू करने से पहले मैं क्या करता था, ये बिजनेस शुरू करने से पहले दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने वेजिटेबल मार्केट में बिजनेस किया, मैंने बिजनेस के बाद में मैंने जॉब भी किया, मैं सलून का काम करता था, सलून जानते हो ना, बाल काटना, दाढ़ी करना, मैं और मेरा बड़ा भाई करता था। फिर मैंने लॉटरी सेंटर चला, ऑटो रिक्शा गैरेज में मैंने 1.5 साल काम किया, रियल एस्टेट का भी काम किया, रूम भाड़े पे देना, पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेना, वो भी काम किया है मैंने मेरे लाइफ में। एक दिन मुझे याद है 31st नाइट में एक क्लब में मैं और मेरा छोटा भाई जाके काम किया था, उस दिन वो क्लब में काम करने का मुझे 200 रुपए मिला था एक नाइट में काम करने का, और काम क्या था, दारू के ग्लास धोने का काम था। ये सब चीज क्यों कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हमें दो की मजबूर कर रही थी ये सब चीज करने के लिए, और दो की रोटी कमाने के लिए जो हाथ में काम मिले दोस्तों वो काम हम करते थे। बहुत तकलीफ उठाया लाइफ में, लाइफ में सपने बड़े देखता था मैं हमेशा, लेकिन मेरे सामने ऑप्शन नहीं था, पर्याय नहीं था, क्योंकि बड़े सपने पूरे करने के लिए हमारे पास में दो ही ऑप्शन होते, या तो बड़ा जॉब होना चाहिए, या तो फिर मोहित सर जैसे बड़े फैमिली में मुझे पैदा होना चाहिए। दोस्तों मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो मोहित सर जैसा नहीं है, मैं कोई करोड़पति अरबपति घर में जन्म नहीं लिया हूं, तो मैं बड़ा बिजनेस 50 लाख 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके कर सकता, ना ही मेरे पास में 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया पगार लेने वाली क्वालिफिकेशन है, मैं सिर्फ 9 पास हूं। 9 पास व्यक्ति को जॉब क्या मिलेगा, 5,000-6,000। मेरे सामने हमेशा क्वेश्चन मार्क होता था कि जीवन में बड़ा बनना है, लेकिन मेरे सामने कोई पर्याय नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन मेरे जीवन में माई लाइफस्टाइल बिजनेस आया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आया, तो इस बिजनेस को हमने शुरू क्यों किया, हमने देखा इस बिजनेस को कौन कौन कर रहा है, हमने देखा इस बिजनेस को एक अनपढ़ व्यक्ति कर रहा है, एक हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति कर रहा है, एक साधारण परिवार का व्यक्ति कर रहा है, एक मोहित सर जैसे वेल सेटल परिवार का व्यक्ति कर रहा है, एक दुर्गेश सर जैसे हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति कर रहा है, एक हाउसवाइफ कर रही है, एक वर्किंग वुमेन कर रही है, एक कॉलेज स्टूडेंट कर रही है, एक सीनियर सिटीजन कर रही है। सभी क्षेत्र के लोग, सभी एज कैटेगरी के लोग एक साथ कंधे को कंधा ला के काम कर रहे हैं, ये इस बिजनेस में मुझे अच्छा लगा। इस बिजनेस में और एक बात अच्छी क्या लगी कि इस बिजनेस में आपको कामयाब बनाने के लिए टीम आपके साथ में काम करती है। इस बिजनेस में मुझे अच्छी बात क्या लगी, यहाँ पे मिनिमम रिस्क फैक्टर कुछ नहीं है। हमने इस बिजनेस को शुरू किया, मैं आपको बताऊं माई लाइफ चल कैसे मैंने शुरू किया, मेरे बड़ी बहन का मंगल सूत्र गिरवी रख के मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, क्योंकि जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिखाया उनके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा था, उनके लाइफ के चेंजेस मैंने देखे थे, और मैंने सोचा अगर ये बिजनेस में शुरू करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा बुरा हाल क्या होगा, ये बिजनेस मेरे लाइफ में नहीं चला तो बुरे से बुरा हाल क्या होगा, एक ही होगा कि जितनी आज अपनी फटनी थी उससे ज्यादा तो फटने वाली नहीं है। रोडपति हूं, रोडपति ही रहूंगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेता हूं, मैं इस बिजनेस के माहौल में इन्वॉल्व होता हूं, तो शायद ये बिजनेस मेरे लाइफ में चल सकता है, और बिजनेस चलेगा तो मेरे अकेले के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, और दोस्तों ये बिजनेस मेरे लाइफ में चल गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरुआत के दिनों में आज ये मेरी शादी हुई, मेरी लाइफ पार्टनर मेरी बीबी है, वाइफ है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस जब मैंने शुरू किया मुझे 78 लोगों ने ना बोला। कितने लोगों ने ना बोला? 78 लोगों ने ना बोल दिया है। लेकिन 78 लोगों ने ना बोला, मैं रुका नहीं, मैंने अपने काम को रोका नहीं। अच्छा, ये 78 लोगों में कौन था पता है? मेरे अपने खास लोग थे, मेरा बड़ा भाई था, मेरा छोटा भाई था, बड़ी बहन थी। आज भले ही आपको इस बिजनेस में मेरे साथ दिख रहे, लेकिन शुरुआत के दिनों में मेरे साथ आए नहीं थे। हमको लगता है बिजनेस जब हम शुरू करते हैं ना, तो हमको ऐसे लगता है कि अपने करीबी लोग अपने साथ आना चाहिए, और होता क्या है, ये करीबी लोग ही अपने साथ नहीं जुड़ते। आज जो लोग पहली बार स्क्रीन में इस बिजनेस को देख रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देख रहा हूँ, कुछ कुछ लोग अपने घर पे 4-4, 5-5 लोगों को लेके बैठे हैं, या कुछ लोग अपने घर से ही लिंक आपके दोस्त ने आपको भेजी है और आप देख रहे हो,
तो बहुत सारे लोगों को पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ, तो उनको ऐसे लग रहा होगा कि उनके खास व्यक्ति को वो बिजनेस दिखा रहे, लेकिन मैं आपको बताऊ, आज आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में खास व्यक्ति जो पहली बार देख रहा है, अभी ये प्रेजेंटेशन के बाद आप उनको जब कॉल करोगे और उनका क्या रिप्लाई आएगा उसके ऊपर आपको पता चलेगा वो आपका खास है कि क्या है। ऐसे कई खास लोगों को मैंने शुरुआत के दिनों में बिजनेस दिखाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कई खास लोगों ने मुझे इस बिजनेस में रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन कम थी, 9 पास, मेरी बैकग्राउंड उस प्रकार की नहीं थी, मेरा प्रोफाइल ठीक से नहीं था। और मैं हमेशा कहता हूं कि लोग मेरे उस वक्त के अवतार को देख के मुझे रिजेक्ट करते थे, उस वक्त की मेरी परिस्थिति को देख के मुझे रिजेक्ट करते थे। और मैं हमेशा कहता हूं, बिजनेस कौन दिखा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस कौन सा दिखा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज भले ही आपसे उम्र से छोटे व्यक्ति ने आपको लिंक शेयर किया हो, आपसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आज आपको इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, दोस्तों आप उसे अंडरएस्टिमेट मत करना। शायद यही छोटा व्यक्ति, यही साधारण व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। तो मुझे 78 लोगों ने ना बोला, मैं रुका नहीं, क्योंकि कौन ना बोलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे कहाँ पे जाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इस धंधे में क्यों आया है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे लाइफ की जो पास घटनाएं हुई उससे मेरे अंदर कामयाबी की तड़प थी, कामयाबी की भूख थी, और मुझे रिवेंज लेना था अपने सिचुएशन से, व्यक्ति से बदला नहीं लेना था, मुझे परिस्थिति से बदला लेना था। और मैंने एक ही चीज देखा था, अगर यहां से कामयाबी बन के, कामयाबी को पाके अगर मैं मेरे भाइयों को और मेरे परिवार को खुशी दे सकता हूं तो मुझे इस काम को करना चाहिए। दोस्तों आज इस बिजनेस को रैंडमली मत करना, एक पर्पज के साथ इस बिजनेस को करने की आदत डालो, एक माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करने की आदत डालो। शायद मोहित भाई ने या दुर्गेश भाई ने आपको ट्रेनिंग में सिखाया होगा, पर्पस होना बहुत जरूरी है, वजह होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, मोहित सर, मैंने इस बिजनेस में जब पहली बार एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया और उसमें मुझे बताया गया था कि आपको ड्रीम देखना चाहिए, उस वक्त मेरे पैर में फटा हुआ जूता था और मैंने सबसे पहला ड्रीम देखा कि मुझे जूता खरीदना है मेट्रो ब्रांड का, मेट्रो ब्रांड आता है, उस वक्त हमारे न्यू बॉम्बे में शोरूम होता नहीं था, दादर में शोरूम होता था, और मैं दादर में गया और वहां पे मेट्रो कंपनी का शोरूम में जाके जूता पहन के देखा, 3450 रुपए का जूता था पैर में पहना, और मैंने ड्रीम रखा, उसका फोटो निकाल के रखा कि मुझे बिजनेस में प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, लोगों को शो द प्लान करना है, फॉलोअप करना है, जो सिस्टम सिखाई जाती है वो करना है, और वो कर मुझे जूता उठाना है। और पहला जूता उठाने के लिए मुझे 1.25 महीने लगे, लेकिन वो जूता उठाने से आज जिस जगवार में मैं घूम रहा हूँ वो जगवार आने के लिए कारण दोस्तों जूता है। इस बिजनेस से पैसे कमा के जूता खरीदा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गई, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। कौन आता है साथ में मैंने वो नहीं देखा, मुझे क्या करना है, क्यों करना है, हमेशा मेरे आंख के सामने पर्पस था। बिना पर्पस के इस काम को करोगे तो आप इस काम को कर नहीं पाओगे, लेकिन विद पर्पस इस काम को करोगे तो आपके साथ कौन जुड़ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कहाँ पे जाना है वो लक्ष्य आपका हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 78 लोगों ने मुझे ना कहा, कुछ लोगों ने मेरे पर विश्वास किया। मेरी मैरिड 2008 में हुई, 21 अप्रैल में, ये मेरी वाइफ है, मुझे 2 लड़के हैं, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ है, हर किसी को लगता है अपनी वाइफ ब्यूटीफुल है, तो मुझे भी लगता है मेरी वाइफ ब्यूटीफुल है, और इन्होंने मुझे मेरे लाइफ में काफी सपोर्ट किया शादी के बाद में भी। ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, व्हाइट कपड़े पहना है और ये उसकी दुल्हन है। मेरे बड़े बहन के शादी में हमारे हालात ठीक नहीं थे, ये मेरे बड़े भाई साहब है, उनके वाइफ के साथ बैठे, इनके शादी का कपड़ा मैं भाड़े पे लेके आया था, मेरे शादी में हालात ठीक थे, तो ये तीनों के शादी में जो परिस्थिति थी ना उसका होलसेल में मैंने कार्यक्रम मेरे छोटे भाई के शादी में किया। करीब करीब मोहित भाई 15,000 लोग शादी में आए थे, 15,000 लोग शादी में आए थे गांव में। चाहे तो शादी में बॉम्बे ताज होटल में भी कर सकता था, लेकिन मुझे अपने मिट्टी में करना था, जो लोग मेरे माँ बाप को भूल गए थे उनको याद दिलाना था कि अभी भी उनके बच्चे इस दुनिया में जिंदा है, जो रिश्तेदारों ने हमें क्रिटिसाइज किया था, रिजेक्ट किया था, जिन गांव के लोगों ने हमें साइड में रखा था, उनको दिखाना था, उनको मुझे दिखाना था। मेरे अंदर वो आग थी कि कामयाबी का थप्पड़ लगाना है, हाथ से थप्पड़ नहीं मारना है, कामयाबी का थप्पड़ लगाना है। तो मेरे बड़े भाई के शादी में करीब करीब 80 लाख रुपया मैंने खर्चा किया
और उनकी दुल्हन, मेरा छोटा भाई और मेरा बड़ा भाई और मैं, हम तीन भाई उस शादी में हेलीकॉप्टर से एंट्री किए, हेलीकॉप्टर लेके आए थे चॉपर से एंट्री किए। और ये मैं लोगों को डिक्लेयर किया था नेटवर्क मार्केटिंग माई लाइफ स्टाइल बिजनेस में आने के बाद, ये मैंने डिक्लेयर किया था कि मैं मेरे भाई को शादी के मंडप में हेलीकॉप्टर से लेके आऊंगा। मतलब पिक्चर में देखते हो ना, हीरो की एंट्री होती है और फिर वो बाउंसर होते हैं। आपको मैं बताऊं, 50 बाउंसर थे। ये जो मेरे वाइफ की वाइफ है बीच में बैठी है, ये मेरी बड़ी भाभी है और ये मेरी छोटे भाई की वाइफ है। ये सबको मैंने गोल्ड इतना बनाया। मेरी बड़ी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका गोल्ड गिरवी रखे मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, मेरे छोटे भाई के शादी में आधा किलो सोना मैंने मेरे बड़ी बहन के बहन को गिफ्ट किया। ये ताकत इस बिजनेस की। ये मैंने पहला जगुआर गाड़ी लिया था, तब का है फोटो है। ये मेरा बड़ा लड़का है देवांश, आज वो बड़ा है। तो तब मेरे पास में एक्सेप्ट गाड़ी थी, जगुआर 64 लाख रुपीज की, 64 लाख रुपए की मैंने जगुआर खरीदी थी। और फिर सेकंड, ये मेरा दूसरा बेबी है, अभी जस्ट 9 महीने पहले आया है। और देखो, मतलब मैं हमेशा कहता था, मैं जब मेरे अमीर दोस्तों का लाइफस्टाइल देखता था तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार हमारे जीवन में इस प्रकार का लाइफस्टाइल क्यों नहीं है, हमारी जिंदगी में ऐसे क्यों नहीं है। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि शायद मेरे लाइफ में नहीं हुआ, लेकिन मेरे होने वाले बच्चों के लाइफ में सब खुशियां मैं ला सकता हूँ। और ये जो मेरा लड़का जो है, छोटा लड़का, मेरा बड़ा लड़का एक्सेप्ट में घर पे आया है, एक्सेप्ट जगवार। और छोटा लड़का जो है, ये 9 महीने पहले पैदा हुआ मोहित सर, उसने माँ के पेट से बाहर आने के बाद 4th दिन जब वो घर पे आया, तब उसके पापा की 1,40,00,000 की एक्जेल में बैठकर घर पे आया, 1,40,00,000 की एक्जेल में बैठकर घर पे आया। आज जो लोग पहली बार बिजनेस देख रहे हैं ना, मैं उनको बताना चाहता हूं, आप आज इस बिजनेस को देख रहे हो, ये बिजनेस को मैंने भी देखा था। मुझे पता नहीं था कि मेरा होने वाला बच्चा पहले दिन जिस गाड़ी में बैठेगा उसकी शुरुआत 1.5 करोड़ की गाड़ी से होगी। मेरा एक निर्णय की वजह से परिणाम आप देख रहे हो यहाँ पे। बहुत खुशी होती है, बहुत मजा आता है कि मेरा बड़ा लड़का जगुआर में घूमता है। ये मेरी एक्सेल गाड़ी है, लगभग 1,35,00,000 रुपए की है, ऑन रोड मुझे आई। बहुत अच्छा लगता है जगुआर एक्सेल से घूमता हूँ। फिर एक स्टेपनी मर्चडीज बेंज भी है मेरे घर पे, जो कभी कभी मेरी वाइफ सब्जी लाने के लिए इस्तेमाल करती है, लोकल घूमने के लिए इस्तेमाल करती है। GLA 200 है मर्चडीज बेंज का। और कई सारा फॉरेन टूर मैंने अचीव किया है, बहुत बार फॉरेन जाके आया हूँ। मोहित सर भी हमारे साथ में थे, दुर्गेश सर भी हमारे साथ में थे। और सबसे मजे की बात, ये मेरा घर है, छोटा घर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे एक वीडियो आपको प्ले करना चाहता, दिखाना चाहता हूँ। मेरे वाइफ को मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना के दिया है। मोहित सर की वाइफ जो सेफ है, आज वर्ल्ड में उन्होंने रिकॉर्ड किया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। तो मेरी बीबी उनको बहुत रिस्पेक्ट करती है, मेरी वाइफ को भी बहुत उनके लिए, मतलब क्या कैसे कहते ना, मोटिवेशन आधार प्रेरणा स्थान है मेरे वाइफ के लिए, लता सिस्टर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मेरे वाइफ का छोटा सा रेस्टोरेंट है, ज्यादा नहीं खर्चा किया है, 3 करोड़ रुपया खर्चा करके उसको मैंने बना के दिया था। लगभग 50-55 लोगों का स्टाफ मेरे वाइफ के पास काम करता है। और मैं मेरे वाइफ की बात बताऊं तो मैंने जिस लड़की के साथ शादी किया है, मेरे सास जो है आज भी दूसरे के खेत में काम पे जाती है, मेरी सास जो है आज भी दूसरे के खेत में काम पे जाती है। और मेरी वाइफ भी सैटरडे संडे दूसरे के खेत में काम पे जाती थी और पढ़ाई करती थी, काफी टैलेंटेड है। शादी के बाद मैंने उनको पढ़ाया, होटल मैनेजमेंट किया, उनका डिग्री है। तो डिग्री के बाद मेरा कमिटमेंट था कि मैं आपको एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बना के दूंगा, पावर ऑफ माई लाइफ स्टाइल। मैंने मेरे वाइफ को एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना के दिया है, ज्यादा नहीं, 50-55 लोगों का स्टाफ वहां पे काम करता है। और वहां पे उनके पास में जो एग्जीक्यूटिव सेफ जो काम करता है ना, उस एग्जीक्यूटिव सेफ की सैलरी 65,000 रुपीज है। तो आप सोच सकते हो कि मेरी वाइफ महीने का पगार कितना बांटती है। और न्यू बॉम्बे में एक फेमस रेस्टोरेंट में एक अपने रेस्टोरेंट का नाम आता है, तो थोड़ा वीडियो प्ले करना चाहता हूँ।
छोटा सा ही है। फिर अभी लास्ट 6 महीने पहले मैंने एक ड्रीम हाउस परचेज किया बॉम्बे में, नई मुंबई एयरपोर्ट के बाजू में ही, 42 एकर्स में। ये नया एक प्रोजेक्ट आ रहा है और फेमस ग्रुप है पैराडाइज ग्रुप, आप यूट्यूब के ऊपर उनकी लिंक देख सकते हो। वहां पे मैंने 2 और 3 BHK के बाजू बाजू में जोड़ी फ्लैट लिया है। कैसे फ्लैट बनेगा, बनने के बाद में कैसे होगा घर, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इसका पोजीशन 2022 में, और 2022 में ये 5 BHK फ्लैट जोनी बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाजू में 42 एकर्स का प्रोजेक्ट है। इसमें दुनिया की सारे अमेनिटीज है, 7-स्टार अमेनिटीज का प्रोजेक्ट है। तो ये लाइव दोस्तों माई लेक्चर बिजनेस की वजह से बन गया। मैंने यहाँ पे मेरा फॉर्म 26S आप लोगों को दिखाना यहाँ पे चाहूंगा। मेरे पिछले साल की इनकम है 18-19 की 1,77,56,195 रुपीज। आप अगर मुझे सुन रहे हो और मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो कहीं पे लगता है कि मैं अच्छा स्पीकर हूं, नहीं, उसके बावजूद ये बिजनेस में मेरी इनकम आ रही है। क्योंकि मुझे एक ही चीज इस बिजनेस ने सिखाया, आप स्टेज के ऊपर कितना बात करते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप फील्ड के ऊपर कितना काम करते हो और किस तरीके से काम करते हो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये मेरी इनकम है, मैं टोटल 9 ID से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी मेन आईडी की इनकम है मैंने आपको यहाँ पे दिखाई 1,77,56,195 रुपीज की मेरी एक साल की इनकम। परिवार में करीब करीब 2.5 करोड़ का इनकम हर साल में आता है। एंड ये आप लोग देख रहे हो जो लॉकडाउन का पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड में पिछले मई महीने में जो 5 वीक गए, उस 5 वीक का मेरा इनकम है। पहले 3 वीक का इनकम यहाँ पे आपने देखा है 11,25,000 रुपया, फिर उसके बाद में 1 वीक का इनकम है मेरा 5,16,000 रुपया, और उसके बाद दूसरे वीक का इनकम, लास्ट वीक जो मई मंथ का खत्म हुआ उसका इनकम है 5,16,000 रुपया। टोटल 1 महीने में, मई महीने में दोस्तों नियर अबाउट 21 लाख रुपए की इनकम मेरी हुई लॉकडाउन के अंदर। अभी मैंने आपको यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट की फोटो दिखाई, उस बिजनेस में मैंने मेरे वाइफ के लिए 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 3 महीने से मेरे रेस्टोरेंट बंद है, 50-55 लोगों का स्टाफ सर पे है, 3 करोड़ रुपया डालने के बावजूद 1 रुपए का कमाई हुआ नहीं। लेकिन माई लाइफस्टाइल बिजनेस को जब शुरुआत में मैंने शुरू किया था 3 ID से, पैसे कमा के बाद में मैंने मेरी ID बढ़ाई, नो डाउट, लेकिन 3 ID से 33,000 से बिजनेस शुरू किया, 33,000 के प्रोडक्ट खरीदने से अगर लॉकडाउन में 21 लाख रुपए का इनकम आ सकता है तो मुझे लगता है दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस माई लाइफस्टाइल बिजनेस। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मेरी 3 ID की बीवीज कितनी है, देख लो आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर लोग, आज पूरा खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को। मेरा पहला आईडी है महालक्ष्मी क्रिएशन, उसके ओआरजी 1 में 49,25,74,629 बीवी है, और उसके ओआरजी 2 में 122,14,97,151 करोड़ बीवी है। मतलब मेरा मेन आईडी पे 12% के हिसाब से आप कैलकुलेट करना तो 6 करोड़ रुपए का इनकम आया। फिर आप यहाँ पे दूसरा आईडी को देखिए, शंकेश वायल के नाम पे जो आईडी ITC 79,89,000 7 करोड़ 98 लाख
79,89,79 crore, 89,86,400 and 42,22,10,227 BV. मतलब आप यहाँ पे भी इनकम कैलकुलेट करो नियर अबाउट 5 crore की इनकम, और मेरे थर्ड आईडी पे जो आप यहाँ पे इनकम देख रहे हो मैचिंग देख रहे हो वो 21 crore 63 lakh रुपीज का है, और एक वर्जी 2 में 19,49,00,000 रुपीज का है। आप टोटल इनकम भी अगर आपने पिछले 7 साल की कैलकुलेट की मैचिंग के हिसाब से 12% के हिसाब से तो करीब करीब 14 crore की इनकम होती है दोस्तों माई लाइफस्टाइल बिजनेस से पिछले 7 साल में। तो मैं आपको ये क्यों दिखाना चाहता हूँ, इस बिजनेस की ये ताकत है, और ये बिजनेस में मेरे साथ हुआ है, ये आपके साथ में भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। ये बिजनेस सिंपल फंडामेंटल मेंटल के ऊपर चलता है, सिंपल आइडिया के ऊपर चलता है। आपको वी परिवार जो भी एजुकेशन दे रहा है, आपको आपके सीनियर जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस ट्रेनिंग को आपको इस बिजनेस को करते वक्त इम्प्लीमेंट करना है। और आपको इस बिजनेस में कामयाबी कब आएगी, कुछ आपके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जो पास में आपके साथ हुई होगी, वो घटनाएं आपको इस बिजनेस में कामयाब करेगी दोस्तों। आज मैं अगर कामयाब हूं तो उन घटनाओं की वजह से हूं। आज मेरा बड़ा भाई CTC है, छोटा भाई NTC है, मेरी बहन इस बिजनेस में मेरे साथ में कुछ नहीं करती, लेकिन हर साल मैं उसके पास रक्षाबंधन के लिए जाता हूँ या दिवाली में भाऊ दीज के लिए जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि उसकी रक्षा मुझे हर करनी है। आपकी बहन का भी इनकम 25,000 से 30,000 का इनकम मेरे मेहनत करने से उसके घर पे जाता है, क्योंकि मैं हर दिन उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। मेरे साथ में ये बिजनेस इतना जबरदस्त क्यों हो रहा है, 19 स्टेट में मेरा काम है, हर राजू जंगम शेट्टी जी CTC है, सचिन भाईकर जी है, कमरान मुजावर जी है, हमारे सुजीत सूर्यवंशी सर कोल्हापुर से, मेरे बड़े भाई साहब संदीप मुंबई से, गोवा से है मामा गवास दीपक मुनकर जी, ऐसे जबरदस्त लीडर लोगों का साथ मेरे साथ में दोस्तों, और मेरे साथ में इतनी बेहतरीन टीम और माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जिस मैनेजमेंट ने मेरे हटा, जिसके कारण आज मेरी लाइफ 360 डिग्री में चेंज हो गई है दोस्तों। सेम बिजनेस प्लान आपके पास में, सेम 95-9 lakh वर्क वैल्यू का प्रोडक्ट आपके पास में, सेम बाइबल ऐप आपके पास में, सेम प्रोडक्ट आपके पास में जो मेरे पास में, लेकिन मैंने मौके का फायदा उठाया। मैं मेरे परिवार को हर हाल में हर सिचुएशन में खुश रखना चाहता, और मुझे पता चला कि ये बिजनेस मुझे यहां से कामयाब बना सकता है। उस दिन से लेके आज तक मैं पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं, और अभी मैं एक्सेल चला रहा हूं जगवार, आने वाले 1 साल रुकना, मेरी नई कार आएगी मेबैक, जो 2.5 crore रुपए की मर्चेंडीज बेंज की एडवांस वर्जन की गाड़ी है मेबैक, वो लेके मैं आऊंगा। एक 9 pass पढ़ा हुआ लड़का उसके लाइफ में इतना परिवर्तन कर रहा है, क्यों? क्योंकि माँ को शादी में जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे बड़े भाई की शादी करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। वो जो सिचुएशन, वो जो हालात थे, हमारे घर पे दो का खाना ठीक तरीके से नहीं बनता था, वो जो हालात थे, वो हालात के कारण दोस्तों आज मैं कामयाब हूं। तो आपके हालात आपको इस बिजनेस में कामयाब बनाएंगे, बस आप आपके परिवार का कुछ देना लगते हो। मैं हमेशा कहता हूं, आप किसी के भाई हो, किसी के पति हो, किसी की बीवी हो, किसी का लड़का हो, किसी की बहन हो, आप कौन हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक कदम उठाने से आपके परिवार में खुशी आ सकती है, तो एक कदम उठाना दोस्तों आपका अधिकार है। क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो जिसको भगवान ने मौका दिया है आपके माँ बाप के भाई बहन के बीवी बच्चों के सपने पूरे करके देने का। मैंने उस मौके का फायदा उठाया, आज मेरे साथ हुआ, आने वाले दिनों में आपके साथ हो सकता है। मेरे ऐसा साधारण व्यक्ति आके आज आपको ये कह रहा है कि मैंने किया, आप कर सकते हो। दोस्तों सिंपल है, आप सभी के घर पे दूध आता है, ना नौशाद भाई, दूध का भाव क्या होता है? नौशाद जी मेरी आवाज सुन पा रहे हो? 35-40 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर होता है। घी कितने लोग के घर पे आता है? ऑलमोस्ट जो लोग यूज करते हैं। घी कैसे, क्या भाव होता है घी का?
600-700 रुपए केजी, मिनिमम 500-600 रुपया केजी होता है नौशाद जी, बराबर। अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये घी निकलता कहाँ से? दूध से सर। दूध से निकलता है। 500 रुपया किलो का घी 40 रुपया लीटर के दूध के अंदर है, मतलब क्या है? दूध में घी है, वैल्यू उस प्रोसेस को है। वैल्यू किसको है? उस प्रोसेस को है। दूध के ऊपर प्रॉपर प्रोसेस किया तो दूध में से घी बाहर निकलेगा। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, माई लाइफस्टाइल बिजनेस करता क्या है, एक साधारण व्यक्ति के जीवन में प्रोसेस करता है, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के जीवन में प्रोसेस करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने का। दूध में से घी निकालने का काम दोस्तों माई लाइफस्टाइल बिजनेस करता है, और आप सभी लोग बहुत लकी हो कि वो दूध में से घी निकालने के लिए वी फैमिली, वी परिवार, वी टीम आपके साथ में, इनके जबरदस्त स्पीकर आपके साथ में, बेहतरीन लीडर आपके साथ में, विजनरी लीडर आपके साथ में, और इन लीडर को हम फॉलोअप करते हैं, और इनको फॉलोअप करने से अगर हमारे घर पे साल के 2-2.5 करोड़ रुपए आ रहे तो दोस्तों आपको, आप उनके खुद, आप उनके परिवार से। तो दूध में से घी निकलने का प्रोसेस वी परिवार जानता है, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम जानते हैं। बस आपको क्या करना है, जिस प्रकार से वो दूध को घी बनाने के प्रोसेस में लाया जाता है, वैसे 3 साल आपको दूध बन के उस प्रोसेस में रहना है, ताकि 3 साल में फाइनल घी बन के बाहर निकलेगा, जो हफ्ते का 2,10,000 पर भी आपको लाके देगा। यस सर, यस। देखिए इस बिजनेस को जुड़ने के बाद मैं अगर ये बिजनेस में शुरू करता हूं तो होगा क्या, या तो बिजनेस मेरे लाइफ में चलेगा या फिर नहीं चलेगा। नहीं चला तो 33,000 की वजह से जीवन में इतना बड़ा तो लॉस होने वाला नहीं है। बेहतरीन प्रोडक्ट जो आज मोदी साहब कहते हैं कि आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन को फॉलोअप करो, आयुष प्रमाणित प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, आज आपकी एमपी की गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी कर रही है कि च्यवनप्राश खाओ। भैया अपने पास में एडवांस वर्जन का कवच पास मंत्रालय ने टीका शक्ति बढ़ाने में अश्वगंधा काम कर रहा है, मतलब आपके और मेरे परिवार, आपके और मेरे प्रोडक्ट का मार्केटिंग कौन कर रहा है? ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है। सर हवा है, पतंग उड़ने वाली है, आपको सिर्फ फिरकी ढिल्ला छोड़ना है, मार्केट ऑलरेडी सेट हो चुका है। हमने तब पतंग उड़ाई जब हवा नहीं थी, टिचकी मार मार के, टिचकी मार मार के। अभी तो आपके लिए हवा है। तो आपको करना क्या है, अगला 3 साल वो घी बनने के प्रोसेस में आना है। आज जो नए लोग पहली बार देख रहे हैं, मैं इनसे बताना चाहता हूं, इस बिजनेस को शुरू कीजिएगा, क्योंकि आपका एक निर्णय आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। देखो निर्णय 2 तरीके का हो सकता है, या तो आप इस बिजनेस को आज देखोगे और जिस व्यक्ति ने बुलाया उस व्यक्ति को ना बोलोगे। ना कहना बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कहने से शायद आपके 10-20 हजार बच जाएंगे, लेकिन 10-20 हजार बचाने के चक्कर में आने वाले 3-4 साल में आपके परिवार में जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है वो नहीं आएगा। लेकिन हाँ बोलोगे तो 3-4 साल हमारे साथ टिके रहोगे, तो दोस्तों ये जगवर आपका इंतजार कर रही है, ये मर्चेंडिस बेंज आपका इंतजार कर रही है, एक करोड़ की इनकम आपका इंतजार कर रही है। शायद आपका होने वाला बच्चा जगवर में घर पे आ सकता है, शायद आपका होने वाला लड़का जगवर में घर पे आ सकता है, शायद आपके बीवी बच्चे जगवर बीएमडब्ल्यू मर्चेंडिस में घूम सकते हैं, शायद आपके भी वाइफ का सपना हो सकता है कि उसको भी मार्केट में अपना गुडविल बनाना है, तो आपके माध्यम से उसका भी अस्तित्व बन सकता है। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि मेरे एक निर्णय से मेरे जीवन में खुशी आई, मेरे परिवार के जीवन में खुशी आई, तो वो निर्णय लेने की बारी आज आप लोगों की है। और जो हमारे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर है, इनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं आपको कम मत समझना, भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर एक्स्ट्रा स्किल दिया है, अपने स्किल को पहचानो और वी के सिस्टम, वी परिवार के सिस्टम के साथ उसे इम्प्लीमेंट करना। मुझे पक्का गारंटी है, पूरा विश्वास है मोहित टंडन साहब, दुर्गेश त्रिपाठी साहब और आपके लीडर्स के ऊपर, इनके साथ रहोगे तो दूध में से घी बाहर निकालने का काम करेंगे। यही शुभकामना आज आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा, और जो खुशियां मुझे मिली, जो परिवर्तन मेरे जीवन में आया, मेरे परिवार में हुआ है, वो सारी खुशियां आपको मिले, वही परिवर्तन आपके जीवन में आए, यही ऊपर वाले भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा, और आप सभी लोगों से यहाँ से मैं विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच सर। अब मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी भर गई है, अब
मतलब फाइनली डिसाइड हो गया है कि 3 से 4 साल दूध बन के काम करना है, घी बनाना है, अपने आप को उतनी क्वालिटी मेंटेन करके घी बनाना है। और सबसे मेन बात सही है कि ये रियल में अभी टाइम है पतंग उड़ाने का। थैंक यू सो मच।